मार्स म्यूजिक में आए हुए सभी कलाकारों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन हो। और विक्की यादव बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम किए मार्स म्यूजिक के माध्यम से, और बहुत लोगों को सारी इंडस्ट्रीज़ को बुलाए यहाँ पे, सब लोग बड़ा खुश होकर के गए हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि विक्की बाबू और ऐसे ही अच्छा अच्छा प्रोग्राम कराते रहें, और सब हम लोगों के दिल में बहुत खुशी है। तो इनके चैनल से जो मेरा रिलीज हुआ है उसी को मैं सुना देती हूँ। केरे भैंस रखे ले मुर्रा दे के चले मोच पे गुर्रा, जहाँ कह दे ही रहे खड़ा बलमू, जहाँ कह दे ही रहे खड़ा बलमू, रते मिसल गोड़वा मोछड़ा बलमू, रते मिसल गोड़वा मोछड़ा बलमू, भैंस रखे ले मुर्रा दे के चले मोज पे गुर्रा, जहाँ कह दे ही रहे खड़ा बलमू, जहाँ कह दे ही रहे खड़ा बलमू, रते मिसल गोड़वा मोछड़ा बलमू, रते। श्रोता लोग के हम ये चाहब कि सब लोगों का यहाँ पे बहुत प्यार मिला और बहुत ही अच्छे श्रोता थे, बहुत ही अच्छे सब लोग गायक गायिका। हमारी लड़की निशा पांडे आप लोगों के बीच में धमाल मचाई, बहुत अच्छा गीत राम जी बहुत मम्मी की। हाँ, मार्स म्यूजिक महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आज हम लोगों ने पा लिया। इसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, सोचे थे कि मार्च म्यूज़िक महोत्सव का इतना बड़ा बीड़ा जो ये विक्की जी उठाए हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी इंडस्ट्री आ रही है, किसके कैसे रुख होंगे, बहुत सारी उलझने टेंशनें होती हैं। लेकिन जिस कदर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली आज हम लोगों का सफल रहा, इससे लगता है कि अब बहुत इससे भी बड़ा धमाल होने वाला है। क्योंकि आज जो ईयरली उनका आज ही के दिन मार्स उन्होंने शुरू भी किया था, आज उसका एक इतना बड़ा सारे म्यूज़िक के डायरेक्टर्स राइटर्स पूरे छोटे छोटे सिंगरों को भी बुला करके एक अवार्ड देना, उनको भी उत्साह देना, ये बहुत ही मतलब अपने आप में एक बेमिसाल वाली बात हो गई। तो विक्की जी ने जो ये किया है, विक्की जी का इसको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, और हर साल मुझे लग रहा है कि ऐसे ही ये धमाल मचाएंगे पूरे इंडस्ट्री में। डिजिटल मीडिया को लेकर के अगर किसी का नाम अभी आप टॉप में बताइए तो किसका नाम आता है, विक्की यादव का नाम आता है। पूरी इंडस्ट्री के चैनल्स को अगर कोई संभाल रहा है तो कौन संभाल रहा है, विक्की यादव जी संभाल रहे हैं। इवन मेरा भी चैनल संभाल रहे हैं, हमारे सारे गाने डिजिटल पे जितने भी जाते हैं जो भी अपलोड होते हैं सब विक्की जी करते हैं। छोटे से लेके बड़े तक कलाकारों तक को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे लग रहा है कि विक्की जी छोटे से लेकर के बड़े कलाकारों तक को खुश करके रख रहे हैं। सम्मान तो मुझे ये मिला है और मार्स म्यूज़िक महोत्सव की तरफ से मिला है, विक्की जी की तरफ से मिला है। मुझे जहाँ तक, मैं आज तक किसी अवार्ड शो में नहीं गई हूँ, मैं ना ही जाती हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई किसी को सपोर्ट तो करता नहीं है, तो लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एकजुट करा करके और लोगों को इतना बढ़िया प्यार से सम्मान देना, प्रतीक देना और सबको खुश करना, ये बहुत अच्छा लगा हमें मुझे। और मैंने खूब धमाल भी किया आज पूरा एकदम। हमारे जो अवार्ड हैं, अवार्ड पे हमारे लिखा हुआ है, हमारे मिलियंस में बहुत सारे गाने हैं, तो विक्की जी इसलिए मुझे वो अवार्ड और सम्मान दिए, क्योंकि धोबी गीत में भी मैंने अभी बहुत जितने भी गाने गाए हैं सब मिलियंस ही पा रहे हैं। मम्मी को तो बिरहा समाज में एक शुरुआत जहाँ से हुई थी, तो गीता त्यागी, ओम प्रकाश जी, विजय लाल यादव, अनीता राज के अलावा इंडस्ट्री में कोई हारमोनिया ढोलक पर गाने वाला था ही नहीं। तो हारमोनिया और ढोलक पे जो इन लोगों ने शुरुआत की वो एक जगह, हाँ ये हम मानते हैं कि लोग उसको नहीं सुनते थे, लेकिन हाँ पैदा जिसने किया है बच्चे तो उसी के होंगे। तो जो इन लोगों ने शुरुआत की है उसी को समर जी, लाडो जी और सारे लोग भी, अभी धोबी गीत का ये ट्रेंड चल रहा है कि मैं खुद भी, सब लोग धोबी गीत गाए जा रहे हैं। तो अब बिरहा का झलक इसमें दिख रहा है। बिरहा का झलक अब हर जगह दिख रहा है, अब फिल्मों में भी गाने बिरहा टाइप के आने वाले हैं लग रहा है। अब तो बहुत लोग गा रहे हैं,
पहले ही मैं 10 साल पहले गाया था कि गोरी तोरी चुनरी पर लाल लाल रे रोड पे चले ली कमाल चाल रे, जिसमें हम और विजय लाल यादव टीस रिच कंपनी में गाए हुए हैं। उस हम लोगों का शिष्य है मुन्ना विशाल पांडे, वो हम लोगों के साथ जा जा कर के मंच पे गाया। लोग सोचे कि यही लड़का गाया है, उसे सब उठा कर गाते हैं, बहुत खुशी मिलती है, गाते हैं लोग, अच्छा लगता है। हाँ, और जो धोबी गीत का आज पैटर्न चला है, इस सारा गीत हम लोग गा कर छोड़े हुए हैं, आज भी गाते हैं, बड़ा खुशी मिलता है कि हमारे लड़के बच्चे सभी लोग गा रहे हैं। लेकिन जो मज़ा बता दूं आपको राम जी की हारमोनिया और ढोलक पे गाने में है ना, वो मज़ा सीक्वेंस पे तो कोई भी गा दे, हारमोनिया ढोलक पे जल्दी कोई गा नहीं पाता, बड़ा करेजा लगता है। रात भर बिरहा गाने में, एक एक कांड गाने में हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, बिरहा गाया है मैंने, मैंने बिरहा गाया है, मेरे बिरहा रिकॉर्ड है, मेरी बिरहा वेब से रिलीज भी है। मैं खून में बिरहा है तो रामचंद्र जी छोड़ तो नहीं पाएंगे। हाँ, तो आप सबका ऐसे ही, रामचंद्र जी का भी बहुत सारा प्यार मिलता रहता है, प्लेनेट भोजपुरी का, मास म्यूज़िक महोत्सव का और मितवा न्यूज़ का। सारे पत्रकार लोग मुझे जैसे ऐसे सपोर्ट करते हैं, सारे श्रोता लोग मुझे जितना सपोर्ट करते हैं, आप लोग ही सपोर्ट करते हो, इंडस्ट्री में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप लोग प्लीज़ हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, प्यार बनाए रहिए। सारे मीडिया प्रभारी के लोगों को, विक्की जी को, मास म्यूज़िक के पूरे टीम को, हैप्पी मोदी, समर मोदी, विकी जी, जितने भी उनके टीम में मेंबर्स हैं, मैं किसी का नाम पर्सनली, बहुत लोगों के नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन पूरे टीम को मैं थैंक यू करना चाहूँगी, पूरी पूरी टीम को, मास म्यूज़िक महोत्सव की पूरी टीम को, मास एंटरटेनमेंट की पूरी टीम को। प्लैनेट भोजपुरी।